Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. मैं आपका जो चैप्टर 6 है वो कंटिन्यू कर रही थी, बट अब हम उस चैप्टर को वहीं पॉज कर रहे हैं. उस चैप्टर में अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे. अगर यूनिट वाइज और मार्किंग वाइज देखा जाए तो आपका जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें से करीब करीब 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं. सो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा. एक एक मेथड, एक एक फॉर्मूला, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा. चैप्टर बहुत ईजी है. अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. सो आज से हम अपना चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. एंड डायरेक्ट मैं आपको 14.1 बताती हूँ. 14.1 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. एक सर्वे करवाया गया जिसको स्टूडेंट्स के ग्रुप ने मिलकर किया, और वो जो सर्वे था वो एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम पर था. दैट मीन्स कितने लोग एनवायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं. अब इसमें डेटा हमें कलेक्ट ये करना था कि 20 जो हाउसेस है, 20 हाउसेस का सर्वे किया गया, और 20 हाउसेस में हर हाउस में कितने मतलब प्लांट्स है या आसपास पेड़ है या वो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या ऐसा कुछ नया कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर सर्वे किया गया. तो बेसिक चीज रखी गई प्लांट्स को. और अब हमारे पास एक तरह का टेबल है कि लगभग 0 से 2 प्लांट्स जिस घर में थे, ऐसा एक ही घर था. ऐसे घर जिनमें 2 से 4 प्लांट हो, मतलब 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, ऐसे घर जिनमें 2 से 4 प्लांट हो वो 2 थे. अब ऐसे घर जिनमें 4 से 6 हो, मतलब 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, ऐसा एक ही घर था. कुछ ऐसे भी घर थे जहां पर 6 प्लांट्स थे, 7 थे या 8 थे, तो ऐसे 5 घर उनको मिले. 8 से 10 प्लांट्स में उनको 6 घर मिले. 10 टू 12 प्लांट्स में उनको 2 घर मिले. और ऐसे घर जहां पे 12 से 14 छोटे बड़े प्लांट्स रखे गए हैं, ऐसे उनको 3 घर मिले. तो ये जो ऊपर वाले नंबर है क्लास इंटरवल, ये प्लांट्स का है कि 0 टू 2 प्लांट्स में एक ही घर मिला, 2 टू 4 प्लांट्स में 2 घर मिले, 4 टू 6 प्लांट्स में 1 घर मिला, 6 टू 8 प्लांट्स में 5 हाउसेस मिले. तो ऐसा आपको पूरा टेबल दे रखा है. अब आपसे बोला गया है कि आपको निकालना है मीन, कि पर हाउस कितने प्लांट मिले उन्हें. पर हाउस अगर एक एवरेज निकाला जाए तो कितने प्लांट होंगे, ये आपको निकालना है. तो मैं आपको बता दूं, मीन निकालने की 2 मेथड्स होती है. पहली मेथड होती है जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हो. दूसरी मेथड होती है जिसे आप स्टेप डेविएशन मेथड कहते हो. या तो आप उसे स्टेप डेविएशन कह सकते हो या उसे अज्यूम्ड मीन मेथड कह सकते हो. मैं रिपीट कर रही हूं, मीन निकालने की 2 मेथड्स होती है. पहली मेथड होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड को आप अज्यूम्ड मीन मेथड भी कह सकते हो. सो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेथड से करके बताऊंगी, और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा उसे मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करके बताऊंगी, ताकि आप दोनों ही तरह की मेथड्स को अच्छे से समझ ले. तो ये आपका टेबल था प्लांट्स और हाउसेस का. इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि हम इसे डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. अब हमें निकालना क्या है, मीन. हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्लास इंटरवल्स अवेलेबल है, जैसे 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, ये सारे क्लास इंटरवल है. फ्रीक्वेंसीज मतलब किस कितने प्लांट्स के नंबरिंग में कितने हाउसेस मिले. तो ये हाउसेस का नंबर हमारी फ्रीक्वेंसीज है, जिसे हम एफ आई से डिनोट करते हैं. आप डिनोशंस को अच्छे से देख लीजिएगा, सिंबल्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होते. फ्रीक्वेंसीज को आपको हमेशा एफ आई ही डिनोट करना है. नाउ अब हमें चाहिए क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब इन सारी क्लास इंटरवल्स की बीच की टर्म. जैसे 0 टू 2 के बीच का टर्म 1 होगा, 2 टू 4 के बीच का नंबर 3 होगा, 4 टू 6 के बीच का नंबर 5 होगा. तो इस तरह से हमें क्लास मार्क चाहिए. क्लास मार्क मतलब आप मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू कह सकते, जिसे हम डिनोट करते एक्स आई से. और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक्स आई को निकालने का फॉर्मूला है.
अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर दो और जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर दो। नाउ ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पूरा टेबल दिखाती हूँ। तो ये है हमारा टेबल। इस टेबल में देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स जैसा हमें क्लास इंटरवल दिया था हमने वैसा अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ हाउसेस जिसे हम फ्रिक्वेंसी कह रहे FI कह रहे वो हमने एज इट इज अरेंज कर ली। इन दो कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों ही कॉलम्स आपकी बुक के कॉलम्स की ही तरह है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मिड वैल्यूज की क्लास इंटरवल के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0 to 2 के बीच में नंबर क्या होगा 1। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा तो फॉर्मूला तो है आपके पास, दोनों लिमिट्स को प्लस करो, मतलब 0 और 2 को प्लस करो। तो 0 और 2 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, ये आपका फॉर्मूला है कि दोनों लिमिट्स को प्लस करो और जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करो। तो हमारे पास लिमिट थी 0 और 2, इन दोनों को प्लस किया आंसर आया 2 और 2 से डिवाइड किया तो 2/2 1 हो गया। हम वैसे भी कह रहे थे कि 0 से 2 के बीच में 1 आता है और फॉर्मूला वाइज भी हमारे पास 1 आया। उसी तरह हम देखें 2 और 4 को प्लस करेंगे, 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आंसर 3 आया। और वैसे भी 2 और 4 के बीच में जो नंबर आता है वो होता है 3। तो ये पूरा कॉलम हमने ऐसे ही निकाला है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करते जा रहे थे और 2 से डिवाइड करते जा रहे थे और ये पूरे नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। ये जो नंबर है XI ये इनकी वैल्यूज है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको हर एक FI से हर एक XI को मल्टीप्लाई करना है, हर एक फ्रिक्वेंसी से हर एक मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जिसके कॉलम का नाम हमने दिया है FI XI, मतलब FI की वैल्यू को XI की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखें 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। अब आपको करना ये है कि आपने निकाल तो लिया है ये सब कुछ, तो इस पूरी फ्रिक्वेंसी का टोटल करके यहाँ लिख दीजिए और इन सारे आंसर्स का टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। तो हमारे पास पूरी फ्रिक्वेंसीज का टोटल 20 आया और पूरे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन टोटल एडिशन 162 आया। नाउ अगर हम आगे देखें कि हमें क्या करना है, तो ये है हमारा आगे का सॉल्यूशन। ये जो साइन है मैं आपको बता दूं, इस साइन को बोलते हैं समेशन। मैं आपको यहां लिख के बता देती हूं, ये जो साइन है इस साइन को हम बोलते हैं समेशन। समेशन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज का प्लस होता है या सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन का प्लस होता है, तो हम प्लस साइन ना लगाते हुए ये साइन लगाते हैं। इस पूरे साइन का मतलब होता है समेशन, मतलब आपने पूरे डेटा को प्लस कर दिया है। तो हमने फ्रिक्वेंसीज के डेटा को पूरा प्लस किया तो 20 आया, मल्टीप्लीकेशन के पूरे डेटा को हमने प्लस किया तो 162 आया। अब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि मल्टीप्लीकेशन के डेटा का एडिशन, मतलब समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI, दोनों की ही वैल्यूज हमारे पास है, बड़ी वैल्यू हमने ऊपर रखी छोटी वैल्यू हमने नीचे रखी एंड देन हमने डिवाइड किया। हियर इज योर डिवाइड, ये आपका डिवाइड है। 20 के टेबल में 162 नहीं आते, 8 टाइम्स आता है 160, माइनस करने पे हमारे पास 2 बचा, 2 का कोई काम नहीं है हमारे पास तो हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाने से एक जीरो बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ये 20 बन गया। तो 20 1 ज़ा 20 एंड 0 0, तो आपका जो मीन निकला है फाइनली वो 8.1 है, मतलब कि हर एक घर में एवरेज प्लांट 8.1 प्लांट से, ये पर हाउस आपका एवरेज निकल गया है, मीन निकल गया है। तो ये जो मेथड मैंने आपको करके बताइए इसे आप बोलते हो डायरेक्ट मेथड। अगर इस मेथड के रिकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन विथ योर प्रॉब्लम, आई विल बी सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।